गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो पॉज करके बना सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और एज ऑलवेज बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट। ठीक है, एक बोट है जिसका स्पीड है। अच्छा, एक मिनट, हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या इसमें पिक्चर ले सकते हैं यार? हाँ यार, तो पिक्चर लेते हैं, रुको। बोट, BOAT, बोट। यस, कुछ आ जा। हाँ जी, इस बोट को निकालो बाहर, इस बोट को बाहर निकालते हैं कि इस बोट को नहीं चलता, वो बोट को ही चाहिए मुझे, ये चाहिए। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, बस काम खत्म। देखो, ये जो बोट है, ठीक है, ये पानी में चल रहा है। ठीक है, 2.5 टाइम्स इट्स स्पीड। देखो, अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत, और डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ। ठीक है, जिधर धारा जा रहा उधर नाव भी जा रही है। इफ टोटल टाइम टेकन, देखो डाउन स्ट्रीम में, अगर ये मैं क्यों बस कर रहा हूँ, यस, तो यहाँ अगर डाउन स्ट्रीम में चीज को समझो और अप स्ट्रीम, ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब। तो डाउन स्ट्रीम में समझो कि 25 चल रहा है 2.5 टाइम्स, ठीक है, तो 25 चल रहा है, तो यहाँ पे कितना चलेगा? अगर ये 1 चलता 10, ठीक है, अगर ये 10 चलेगा तो ये 2.5 चलेगा, तो यहाँ से 5 से कटा दो, और 5 2 एंड दिस विल बी, यानी कि धारा के दिशा में अगर चल रहा है तो वो 5 के स्पीड से चल रहा है एज अ रेशियो, और वो धारा के विपरीत चल रहा है तो 2 का रेशियो चल रहा है। तो इसको के मान लेते हैं, के मान लिए हम लोग, कौन सा, ये छुप क्यों गया, इसको बाहर निकालो, यस, यहाँ रख देते हैं इसको। तो ये नाव जो है ये धारा के साथ जाता है, तो 5 के स्पीड से 5 के रेशियो जाता है, और 2 के रेशियो धारा के विपरीत, जब धारा इसकी तरफ बहता है तो बस तू ही चल पाएगा। बोल रहा है क्या कि टोटल टाइम टेकन बाई बोट फॉर गोइंग 15 किलोमीटर, समझो कि 15 किलोमीटर जा रहा है ये, ठीक है, ये बोट 15 किलोमीटर जा रहा है, पहले ये धारा के पहले साथ जा रहा है, 15 किलोमीटर गया, तो कितना के स्पीड से गया आप लोगों को मालूम है, 5, सॉरी 2 के, सॉरी ये जो धारा के साथ जा रहा है तो 5 के ही के स्पीड से जाएगा। तो टाइम कितना लगा, जो भी टाइम लगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, प्लस फिर से वापस आ रहा है, तो ये जो बोट है उधर से वापस आ रहा है, और जो इसका स्पीड है वो 2 के है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है एग्जैक्ट के का वैल्यू। दोनों में किसी चीज़ से आप इंटू कर सकते हो जो कि हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है यहाँ टाइम लग रहा है इसको कुछ जाने में, यहाँ टाइम लग रहा है आने में, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड टाइम, और दोनों टाइम मिला के 12, 13, 14/3 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, मैं छोड़ दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर 10 के मान लेता हूँ, आप सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, याद रखना 30 के नहीं होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 75 इक्वल टू 14/3। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ गए होंगे, इसको मिटा के लिख दे 75 और 30, 105 हो जाएगा, सही है, और ये हो जाएगा 10 के इक्वल टू 14/3, तो ये देखो इससे इंटू होगा तो हो जाएगा 315 इक्वल टू 140 के हो जाएगा। अभी आप के का वैल्यू निकाल लेना यार, मैं क्या बोलूँ, के का वैल्यू 315/140। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ओ देन व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर बोट डाउन, यानी कि जो डी का वैल्यू था वो क्या था, 5 के था, बस के की जगह पे इसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको कर लोगे ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, इतने डिटेल में इतना अच्छे से बता दिया, काफ़ी टाइम भी उतना नहीं लगा।